हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेरी वेल। और आपकी समर वेकेशन कैसी रही? आपने ड्राइंग का अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा? ओके। और आपने अच्छा एंजॉय भी किया होगा हॉलीडेज में, और स्टडी भी करी होगी, है ना? चलिए, आज 8th क्लास हम आपकी आर्ट स्किल बुक में से आपको लैंडस्केप कराएंगे। पेज नंबर है 22 and 23। ओके, आज हम करेंगे लैंडस्केप। ओके, लैंडस्केप आपने लास्ट ईयर 6th-7th में भी किए थे। ओके, अब फिर हम करेंगे कुछ लैंडस्केप आपके पेंसिल शेडिंग के, ब्लैक जेल पेन के, या आपके वाटर कलर, पोस्टर कलर के हमने लास्ट ईयर कराए थे। आज हम करेंगे ब्लैक जेल पेन से। इसके लिए पहले हम अपनी फाइल में लैंडस्केप ड्रॉ कर लेंगे। पेज नंबर 24 पे ये जो आपका लैंडस्केप है इसे आप करेंगे। आपको पता है लैंडस्केप क्या होता है? जिसमें आपकी बिल्डिंग्स, ट्रीज या एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स, इस टाइप से होते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कहती हूँ, अपनी फाइल में पहले ला जो स्टार्टिंग आपकी होगी किसी भी वर्क की, कुछ भी आप ड्रॉ करते हैं, तो लाइट पेंसिल्स, हल्के हाथ से पेंसिल यूज़ करनी है आपको ड्रॉ करनी। जिसके ये मैंने पहले से लैंडस्केप हल्का सा ड्रॉ किया हुआ है। ओके, अब मैं इसे डार्क कर दूँगी। आप भी इसी तरह से अपनी फाइल में इसे करेंगे। आप अपना वर्क साइड बाय साइड कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि अब आपकी मार्किंग वगैरह होनी है आपके वर्क के ऊपर ही, जितना आपने वर्क किया है। सो स्टूडेंट्स, जिस भी स्टूडेंट्स का वर्क इनकम्प्लीट है तो उसे कंप्लीट कीजिए आप अपना, नो एक्सक्यूज। पेंसिल से हम लाइट लाइट इसको ड्रॉ कर लेंगे। मोस्टली ये पेंसिल से ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद हम अपना ब्लैक पेन, जो हमारा ब्लैक जेल पेन होता है, उसे करेंगे, इससे शेडिंग वगैरह जितनी है। पर जितना हमने ड्रॉ किया है पेंसिल से, उसे हम ब्लैक पेन से आउटलाइन करेंगे। ओके, जहाँ आपने पेंसिल से लाइन करी उसी के ऊपर चलाइएगा अपना ब्लैक जेल पेन। बॉल पेन नहीं लीजिए, क्योंकि वो बीच बीच में रुक जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है फिर वो।
सारा ये लैंडस्केप फ्री हैंड ही है। आपकी जो हट वगैरह हाउसेस बने हुए हैं वो फ्री हैंड बन जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो हल्का सा स्केल की हेल्प आप ले सकते हैं। ओके, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करिएगा एंड नीट एंड क्लीन वर्क। ओके, छोटी छोटी झाड़ियाँ बनी हुई हैं इसमें। मोस्टली इसमें फ्री हैंड वर्क है। फेंसिंग बन गई। देखिए मैंने जितना किया मोस्टली इसमें कर दी है आउटलाइन। अब मुझे इसमें शेडिंग करनी है, आपको शेडिंग करके दिखानी है जैसे से बुक में दी हुई है।
करके ये ट्री बना हुआ है। और मैंने जो इसमें स्टूडेंट्स पेंसिल से वर्क किया था उसे कहीं कहीं लाइंस रह गई उसे इरेज कर देंगे, कहीं ना कहीं तो पेन अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट गया है, इससे नीट एंड क्लीन वर्क नज़र आएगा। स्ट्रीच से स्टार्ट करते हैं, इसमें क्रॉस हैचिंग भी दी हुई है। क्रॉस हैचिंग होती है जो एक वन लाइन दूसरी लाइन को कट करती हुई निकलती है, लाइक दिस। ये देखिए बाकी स्लैंटिंग लाइन है। एक लाइन क्लियर नज़र आनी चाहिए, वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका। ये लीव्स छोटी हैं इसमें, और बुक में भी देख रहे होंगे इस टाइप से। कुछ लाइंस भी हैं ट्री में इस तरीके से। देखिए इस तरीके से।